गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो आज है छुट्टी का दिन और आज बच्चे सभी घर में हैं दोनों, और साहब की भी छुट्टी है। तो आज मैं आ गई हूँ दोपहर का लंच बनाने के लिए, लेकिन अभी बज रहे हैं सुबह के 11, तो इसलिए अभी तो गुड मॉर्निंग ही है ना। और आज वैसे भी मेरी गुड मॉर्निंग थोड़ी सी लेट हुई है, क्योंकि क्या हुआ है ना कि मैं 2 दिन से काफ़ी लो फील कर रही थी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा सा मतलब आराम आराम से ही मेरा काम हो रहा है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर और मशरूम। तो आप कितना भी लो फील कर रहे हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं हो, लेकिन जब छुट्टी का दिन होता है ना, तो कोई घर में बोले या ना बोले, आपको खुद ही लगता है कि चलो कुछ स्पेशल बना करके खिलाते हैं। वैसे तो भागम भाग लगी रहती है रोज़ की, बट छुट्टी के दिन होते हैं तो बच्चों को भी इंतज़ार होता है, साहब को भी इंतज़ार होता है कि कुछ अच्छा आज लंच में बनेगा, रात के डिनर में भी। तो उस टाइम पे ना बड़ा बुरा लगता है जब आपकी तबीयत ठीक ना हो और आप कुछ बना ना सके ढंग से। तो इसलिए मैं छुट्टी के दिन चाहे कुछ भी हो, मैं कोशिश करती हूँ कुछ अच्छा ही बना करके खिलाऊँ। तो आज मैं पनीर मसाला बनाने वाली हूँ, साथ में मैं बहुत ही सिंपल जीरा राइस और दाल फ्राई करने वाली हूँ। लेकिन मैं पनीर की जो रेसिपी बनाऊँगी ना, पनीर मशरूम की, मशरूम मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ क्योंकि मेरे बेटे को मशरूम बहुत पसंद है। वैसे ये पनीर मसाला ही है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें मशरूम भी ऐड कर दूंगी। तो मैंने यहाँ क्या किया है ना कि खड़ा जीरा, खड़ा धनिया और खड़ी मिर्च, लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च मैंने तवे पे मतलब फ्राई पैन में डाल दी है सेकने के लिए। उसमें थोड़ी सी गोल मिर्च डाल दी है और उसे हम थोड़ा भुनने देंगे। और उसके बाद मैंने उसकी पाउडर बना ली, उसमें मैंने 20 से 25 मैंने वहाँ पर काजू ऐड किए हैं और थोड़ी सी सॉल्ट ऐड करके उसे फ्राई किया है और करके उसकी पाउडर मैंने बना लिए हैं और वो मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ। पूरी रेसिपी मैं अगर दिखाने चलूँ ना तो ब्लॉग बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन आज मैं आपके साथ दोपहर के लंच ही शेयर करने वाली हूँ कि आज मैं क्या बना रही हूँ। और यहाँ पर मैंने एक और जार में आप देख रहे होंगे, वहाँ पर मैंने टमाटर की प्यूरी बना ली है, तो वो भी मैं यहाँ पे रेडी करके उसे भी रख लेती हूँ, क्योंकि जब हम मसाला रेडी करते हैं उस टाइम पे ये सब रेडी होना चाहिए, पहली बात। और दूसरा है क्या कि हमने जो पाउडर वाले मसाले बनाए हैं ना, जो जिसमें मैंने खड़ा धनिया, खड़ा जीरा और खड़ी मिर्च, काजू वगैरह ऐड करके जो मैंने पाउडर बनाया है ना, वो पनीर मसाले के लिए सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट जो मसाला होता है ना, वो होता है वो, इससे जो है रेस्टोरेंट के जो टेस्ट होते हैं ना पनीर मसाले के, वो बिल्कुल वो टेस्ट आती है। तो पनीर मसाला में ये ज़रूर आप इस तरीके से आप मसाले बनाकर आप चाहें तो स्टोर भी करके रख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ पनीर कट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं जो हूँ ना, पनीर को जो है ना, वो मैं ऐसे पहले तो इसे मैं कट कर ले रही, ये 1/2 kg मतलब 500 ग्राम है ये। तो पनीर मसाला जो है ना, वो बच्चों को भी बहुत पसंद है, साहब को भी बहुत पसंद है, तो मैं जब बनाती हूँ तो कम से कम 1/2 kg पनीर या मतलब 1/2 kg से मैं ऊपर के ही पनीर की बनाती हूँ, कम की नहीं बनाती, क्योंकि जब हम बड़े बड़े पीसेस कट करते हैं ना तो पनीर में मतलब पनीर कम दिखती है, इसलिए मैं पनीर की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लेती हूँ। वैसे आपके घर में जितने मेंबर हो ना, आपको उसी के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो पनीर जितनी भी लेने हो, लेकिन बनाने का जो मैं तरीका बता रही हूँ ना, अगर इस तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो वैसे भी मैं जो रेसिपी वगैरह जो भी बनाती हूँ ना, मैं खुद भी बहुत सारे इसमें एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ टाइम टू टाइम। तो मेरे जो रेसिपी है ना, उसमें मैं बहुत सारी वेराइटी लेकर के आती हूँ, जैसे मतलब पनीर मसाले भी मैं बहुत, उसकी 3 से 4 वेराइटी है बनाने की तरीके हैं, तो मैं उस तरीके से ही बनाती हूँ। तो एक तरीका मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमने पनीर प्याज को जो हमने खोल के जो से हम मसाले में ऐड करते हैं ना पनीर मसाले में, वो मैंने वो शिमला मिर्च और मशरूम को मैंने थोड़ा सा स्लो फ्राई किया है बटर में, उसके बाद पनीर को भी ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी हल्दी पाउडर और जो हमने मसाला ऐड किया था ना, बस सॉरी बनाया था ना हमने खड़े मसाले को पाउडर करके, तो उसे मैंने जो रोस्टेड करके हमने किया था, उसे मैंने यहाँ पे आधे को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है और आधे से थोड़ा ज़्यादा मैंने रखा है जो कि हम बाद में फिर मिक्स करने वाले हैं। तो इसे मैं यहाँ पे मसाले थोड़े से छिटके और इसे हमें थोड़ा सा हल्का फ्राई कर लेना है, गैस की फ्लेम को लो मीडियम रख के ही।
और यहाँ पे जो मसाले हैं, हम उसमें जो प्याज और टमाटर की प्यूरी वगैरह जो है वो सब डाल करके हमने यहाँ पे मसाले रेडी कर लिए हैं, और बाकी के मसाले धनिया मिर्ची पाउडर लहसुन की पेस्ट वगैरह अदरक और उसके साथ में जो पाउडर मसाले थे ना जो हमने रेडी किए थे वो भी ऐड करके मैंने मसाले को भून के गैस को की फ्लेम को लो कर दिया है। और अभी मैं चाय पीने वाली हूँ क्योंकि शुरू से ही आज थोड़ी सी लेट भी मैं उठी थी सुबह में, और उसके बाद बहुत सारे काम निपटाने लगी थी तो सुबह मैंने चाय लिया था, लेकिन अभी मैं बैठ के थोड़ा सा चाय पीऊँगी और बीच बीच में मसालों को भी मैं देखती रहूँगी। तो वही कर रही हूँ, चाय भी मैं पी रही हूँ और साथ में मैं मसाले वगैरह जो है उसे भी मैं देख लूँगी थोड़ा सा भूनने का। और यहाँ पर जो है ना ये मेरी बेटी के हैं आज टेस्ट ट्यूशन में, तो वो बैठ के उसकी पढ़ाई कर रही है, और क्योंकि टेस्ट वगैरह जो जब रहते हैं ना तो समृद्धि को थोड़ा सा प्रेशर महसूस होता है, लेकिन वैसे वो अच्छा करती है। तो बच्चों को टाइम टाइम से ट्यूशन में तो टेस्ट वगैरह रहते ही हैं, जिससे कि बच्चों को अपनी पढ़ाई के प्रति थोड़ा सा तो मतलब ये वो डर भी होता है और थोड़ा सा मतलब वो कॉन्शियस भी होते हैं पढ़ाई को लेकर के। तो मैडम को जो है ना जब भी आप हॉल में बैठे रहेंगे ना तो इनकी पढ़ाई होती नहीं है, मतलब इनको उनका ध्यान भटकता रहता है, इसलिए मैं कभी भी इसे ना हॉल में जब बैठने को बोलती नहीं तो मैं साइड हो जाती हूँ। लेकिन अभी चूँकि छुट्टी का दिन है तो कुछ किया नहीं जा सकता है, हम सभी सब घर में ही हैं तो थोड़ा ध्यान मैडम का भटक रहा है। और यहाँ मैं बना रही हूँ जीरा राइस, तो उसके लिए मैंने घी ऐड किया था और उसमें मैंने थोड़ी सी जीरा डाली थी हाफ स्पून, और उसके बाद मैंने राइस को यहाँ पर मैंने जो लिया है ना वो बासमती राइस मैंने लिया है जो लंबी होती है चावल, और लेकिन वो थोड़ी पतली होती है, ज़्यादा मोटी नहीं, जैसे बिरयानी के चावल थोड़ी मोटी होती है, ये थोड़ी पतली। तो मैं बिरयानी के लिए अलग और फ्राइड राइस वगैरह के लिए मैं अलग से रखती हूँ, लेकिन ये जो राइस है ना ये बहुत ही खिल के आती है, जैसे मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी जब ये रेडी हो जाएगी तो काफ़ी खिली खिली सी ये इसकी जो है ना राइस बनती है। तो मैं बासमती राइस यहाँ पे ऐड बना रही हूँ, जीरा राइस, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया है मैंने यहाँ पे, उसके ज़्यादा मैं कुछ नहीं रखूँगी। वैसे मैं फ्राइड राइस जब बनाती हूँ तो उसके ड्राई फ्रूट के साथ भी बनाती हूँ और हरे मटर के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो अलग अलग वेराइटी होती है। आज जीरा राइस ही मैं बना रही हूँ और दाल फ्राई करूँगी। तो मैंने पानी ऐड कर दिया, पानी जितनी हम चावल लेते हैं ना उसके डबल हम यहाँ पे पानी ऐड करते हैं, तो वो तो आपको पता ही होगा, लेकिन मैंने ऐसे ही बता दिया कि जो बिगनर्स होंगे देख रहे होंगे उनको लगेगा कि हमने कितनी पानी ऐड की है। तो कभी भी बासमती राइस में जितने आप राइस लेते हो ना दम उसका डबल आपको पानी ऐड करना है। और प्रेशर कुकर को मैंने कर दिया है बंद, दो सीटी पे वो हो जाएगी। और यहाँ पे मैं एक चम्मच जीरा और एक चम्मच मैं खड़ा धनिया, दोनों खड़े खड़े धनिया और खड़ा जीरा को मैंने कूट लिया है। और अब मैं बना रही हूँ दाल फ्राई, वो भी मैं घी में ही बना रही हूँ, बटर में नहीं कर रही। तो घी मैंने डाल दिया है 3 से 4 चम्मच। अब दाल फ्राई है तो थोड़ा सा घी तो बनता है अच्छे से तो और उसके साथ में मैंने वो जो हमने जीरा और धनिया को कूट के रखा था वो मैंने ऐड किया, साथ में मैंने लहसुन ऐड कर दी है, लहसुन में मैंने बारीक कटी हुई डाली है तो वो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। और उसके बाद मैं थोड़ा सा एक मुट्ठी मैंने प्याज बारीक कटा हुआ, एक मुट्ठी मैंने प्याज डाल दिया है, सॉरी टमाटर और प्याज मैंने ऐड कर दिया है, एक एक मुट्ठी मतलब थोड़े थोड़े ऐड कर दिए हैं। और थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दी है, एक सूखी लाल मिर्च डाली है, लाल मिर्च मैंने बाद में डाली है क्योंकि वो जिससे कि वो क्या होते हैं ना कि मतलब लाल मिर्च ना उसके कलर काफ़ी अच्छे रहते हैं, मेरी बेटी को बहुत पसंद है जब वो दाल फ्राई लेती है तो पहले वो बोलती है कि मिर्ची डाल दो, पता नहीं करती क्या है उसका तो अभी हो गए हैं। और हींग के साथ में मैं इसके तड़के मैंने हींग डाला था मैंने थोड़ा सा, दाल फ्राई कभी भी बनाना थोड़ा हींग जरूर ऐड कीजिए, जिससे कि क्या होता है पचने में बहुत आसानी होती है। और खाना आप कुछ भी बनाए ना तो कोई एक चीज़ में जैसे दाल वगैरह में ही आप कोई भी तड़का डालें ना थोड़ा हींग अगर आप पसंद करते हो ना तो ज़रूर ऐड कीजिए, वो पचने में बहुत आसानी होती है। तो यहाँ पे मेरी पनीर मसाला भी रेडी हो गई है, एकदम मस्त वाली रेडी हुई है, बिल्कुल रेस्टोरेंट के टेस्ट वाले तो वो भी रेडी हो गए हैं। और साथ में मैंने थोड़ी सी क्रीम ऐड कर दी है उसके ऊपर से, क्रीम मैंने अंदर भी ऐड की थी जब बनाते समय भी। और इस तरीके से देखिए हमारी पनीर मसाला, मैं थोड़ा डेकोरेट करके ले जाती हूँ, मेरी बेटी को बहुत पसंद आता है, मतलब उसको थोड़ा सा डेकोरेटिव कोई भी चीज़ को ना डेकोरेट करके दीजिए ना तो उसे लगता है कि मतलब कुछ स्पेशल है, और आज तो ऐसे भी मैंने स्पेशल ही किया है। और ये मेरी फ्राइड राइस और ये मेरे दाल हो गए, राइस भी देख सकते हैं कि एकदम खिली खिली सी बनी है, लेकिन एकदम ऐसा मैंने सिंपल बनाया, मसाले तो मैंने पनीर मसाला तो मैंने बनाया थोड़ा सा स्पाइसी, बाकी को मैंने थोड़ा नॉन स्पाइसी मतलब ऐसा रखा है मैंने कि
कि मतलब सादे भी हो और अच्छे भी लगे खाने में, क्योंकि जब आप कोई भी रेसिपी बनाते हो ना सब्जी की, तो अगर वो मसालेदार है ना, तो साथ में दाल फ्राई में ज़्यादा मसाले मत ऐड कीजिए। और राइस को कोशिश कीजिए कि वो घी में, अगर आपको फ्राई खाना है तो जीरा राइस या मटर राइस आप कर सकते हैं, या फिर ड्राई फ्रूट डाल करके राइस बनाइए। लेकिन ज़्यादा वो बिरयानी टाइप से जो राइस होती है ना, वो मत कीजिए, नहीं तो वो कॉम्बिनेशन खाने में, मुँह में ना जब मिक्स होती है ना, तो पता ही नहीं चलता कि किसके मसाले के टेस्ट हमारे मुँह में है। तो चलिए, मैं तो अब फटाफट खाने रेडी करके मैंने निकाल दिया है, और हमारे लंच का टाइम हो चुका है, ऑलमोस्ट 1:30 बज चुके हैं। तो मैं सबको खाने सर्व कर रही हूँ यहाँ पे, और समृद्धि है जो उठाकर लाकर दे रही है, क्योंकि अब बस ये खाना खाएगी और आधे घंटे में इसके ट्यूशन शुरू हो जाएंगे, तो 2 बजे से तो ये निकल जाएगी घर से। तो इस तरीके से बच्चों की भी छुट्टी के दिन भी इनके ट्यूशन रहते ही हैं, बहुत कम होता है जब इनके ट्यूशन नहीं रहते हैं। जब गवर्नमेंट हॉलीडे रहती है तब की छुट्टी मतलब कुछ ऐसी रहती है तभी, नहीं तो बच्चों के ऐसे तो ट्यूशन्स वगैरह रहते ही हैं। और वैसे बच्चों को छुट्टियां तो कभी कभी मिल ही जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती है। तो कोई बात नहीं, अभी समृद्धि करेगी लंच और भागेगी वो ट्यूशन के लिए। और फ्रेंड कोई भी इस तरीके से मैं कभी भी कोई रेसिपी बनाती हूँ ना, तो मेरी बेटी को बहुत ही खुशी मिलती है और बहुत ही पसंद से खाती है, और उसकी खुशी को देखकर मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। और पनीर बोल करके तो मेरा बेटा वैसे ही उछलना शुरू कर देता है, उसको तो बचपन से ही पनीर बहुत पसंद है। तो चलिए, आज बातों ही बातों में मैंने अपने दोपहर के लंच रेडी कर लिए हैं, और आपसे बातें करते करते मेरी वो भी गई है, लेकिन साहब अभी ऑफिस के कामों में लगे हैं, तो मैं ये बोल रही हूँ चलिए लंच करने के लिए। और स्मार्ट वॉच तोड़ दिए? नहीं, वो बोल कह रहा है फिट बस, वो क्या बात है कि मुझे नहीं हो गया सामान ज्यादा हो गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, अचानक से पहुंच रहा है। मैं तो बैठ गई लंच करने के लिए, और मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे करूँगी इन, और एक नए ब्लॉग की फिर से मैं शुरुआत करूँगी। तो चलिए फ्रेंड, मेरी ब्लॉग यहाँ पे होती है इन। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर से क्लिक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।